साल 1969 को साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी मधुबाला उर्फ मधु शाह ने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इसके बाद फिल्म फूल और कांटे में वह बतौर लीड रोल करके लाखों के दिलों की धड़कन बन गई थी। मधु को आनंद शाह ने पहली बार फिल्म दिलजले में देखा था और उन्होंने सोचा ये लड़की मुझे पसंद है, और एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आनंद ने मधु को एक एड शूट के लिए कॉन्टेक्ट किया। और इंडोनेशिया में जब एड शूट खत्म हुआ तो आनंद ने मधु को सीधे ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर मुंबई में आकर दोनों ने सगाई कर ली। फिर मधु ने 1999 में आनंद से शादी की थी। इस शादी से उनकी दो बेटियां हैं, अमाया और किया। मधु ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सफल करियर छोड़ दिया था। हालांकि मधु एक लविंग माँ ही नहीं बल्कि एक सपोर्टिंग वाइफ भी है। शादी के कुछ वक्त बाद जब उनके पति आनंद शाह का बिजनेस फेल हो गया था और वो कर्जे में डूब गए थे, तब मधु को अपना बंगला और प्रॉपर्टी बेचकर उनको संभालना पड़ा था। आपको बता दें कि मधु जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी की भतीजी लगती है। इसके अलावा मधु मशहूर फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की भी जेठानी लगती है। दरअसल जूही चावला के पति जय मेहता और मधु के पति आनंद शाह चचेरे भाई हैं।